गढ़ा मोड़ से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रही हैं मंसूर चट के रिपोर्ट के मुताबिक गढ़ा मोड़ चक नंबर 88 WV में अफसोसनाक वाकया पेश आया। घरेलू नाचाकी पर औरत समेत तीन अफराद ने 26 साला दो बच्चों की मां को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गढ़ा मोड़ की हदूद चक नंबर 88 WB में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घरेलू नाचाकी पर शोहर खुर्रम शहजाद ने वालिद मुश्ताक और वालिदा यास्मीन के हमरा 26 साला दो बच्चों की मां रुकैया सईद पर तशद्दुद किया और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। मोहल्ले में शोर मचा दिया कि हमारी बहू सीढ़ियों से गिरकर जान बहक हो गई है। 15 पर इत्तला मिलते ही पुलिस थाना गढ़ा मोड़ ने मौका पर पहुंचकर मकतूला की डेड बॉडी को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए RHC गढ़ा मोड़ मुंतकिल कर दिया। मकतूला के भाई वकार की मुदैयत में औरत समेत तीन अफराद को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर SHO थाना गढ़ा मोड़ शबीर अहमद जोगर ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मेरिट पर कार्रवाई करेंगे। वरसा ने DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान से इंसाफ का मुतालबा किया है।